हेलो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द कैरिज ऑफ गुड्स, यानी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे जब पहुंचाने की बात आती है बिजनेसेस के अंदर, तो वहां पे कौन से लॉज लगते हैं, उनसे रिलेटेड आज हम लॉ ऑफ करियर के अंदर स्टडी करेंगे, उनकी बात करेंगे. द लॉ रिलेटिंग टू कैरिज ऑफ गुड्स कम्स अंडर द लॉ ऑफ बेलमेंट. यानी हमने बेलमेंट पढ़ा था, बेलमेंट के अंदर हमने देखा था बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स. यानी बेलमेंट भी क्या था, डिलीवरी ऑफ गुड्स था एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस. बेलमेंट के अंदर किसी पर्पस से एक पर्सन से दूसरे पर्सन को गुड जाती है, और जब वो पर्पस अकम्प्लिश हो जाता है तो दूसरा पर्सन वापस पहले वाले पर्सन को उन गुड्स को रिटर्न कर देता है या अदरवाइज डिस्पोज ऑफ करता है. अदरवाइज डिस्पोज ऑफ का मतलब है कि जो भी बेलर की डायरेक्शंस है उस हिसाब से बेली उनको रिटर्न कर देता है. तो हमने बेलमेंट के दो पार्ट देखे थे, बेलमेंट विद कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन. हमने ग्रेचुटस बेलमेंट और नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट, दो तरह के बेलमेंट को देखा था. अब जो हम कैरिज के अंदर बात करेंगे, कैरियर के अंदर जो भी बेलमेंट है, यहाँ पे जो भी गुड्स डिलीवर हो रही है वो रिम्यूनरेशन के बदले में डिलीवर हो रही है. जबकि बेलमेंट में हमने देखा था बेलमेंट विद रिम्यूनरेशन भी हो सकता है और विदाउट रिम्यूनरेशन भी हो सकता है. तो ये एक डिफरेंस है जो हमें ध्यान रखना है अबाउट द कैरिज ऑफ गुड्स. तो कैरिज ऑफ गुड्स इज द लॉ रिलेटिंग टू कैरिज ऑफ गुड्स आर द पार्ट ऑफ लॉ ऑफ बेलमेंट. और डिफरेंस क्या है वो मैंने बताई दिया. बेलमेंट दो तरह की होती है, विद कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन भी हो सकती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. लेकिन कैरिज ऑफ गुड्स के अंदर जो बेलमेंट हो रही है वो विद रिम्यूनरेशन होती है. यानी आप किसी को अपनी गाड़ी दे रहे हैं, किसी पर्पज के लिए दे रहे हो, लेकिन वहां पे आपका गाड़ी देने का बिजनेस है. आप गाड़ी को रेंट पे दे रहे हैं, हायर पे किसी को दे रहे हैं, या कोई आपकी गाड़ी लेके गया है हायर पे, तो वहां पे वो आपकी गाड़ी यूज करने के बदले में जो पेमेंट देगा. तो ये जहां पे भी हम सामान को पेमेंट के साथ किसी को डिलीवर करते हैं वो कहलाता है कैरिज. अब जो पर्सन या जो बंदा या जो इंडिविजुअल या जो ये कंपनी ये काम करती है, जो बिजनेसेस में या लोगों के सामान को इधर से उधर पहुंचा रही है, ट्रांसपोर्ट कर रही है, उनको हम कैरियर कहते हैं. अब अगर हम बात करें द कैरिज ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन अ कंट्री और फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. अब ये जो कैरिज ऑफ गुड्स है वो विद इन कंट्री भी हो सकता है या एक कंट्री से हम दूसरी कंट्री में भी सामान पहुंचा सकते हैं. दिस प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द कमर्शियल लाइफ. द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरिज ऑफ गुड्स मस्ट बी नेसेसिटी फ्रॉम एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इट. गुड्स मे बी कैरिड बाय लैंड, सी और एयर. और जो गुड्स कैरी की जा रही है, गुड्स जो ट्रांसपोर्ट की जा रही है, वो तीन वे से की जा सकती है. या तो बाय लैंड की जा सकती है, या बाय सी हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं गुड्स को, या फिर बाय एयर भी गुड्स ट्रांसपोर्ट की जा सकती है. बाय, मान लेते हैं कि हमें इंडिया से अमेरिका सामान भिजवाना है, तो इसके लिए हमारे पास दो रास्ते हैं. या तो हम बाय एयर यानी फ्लाइट के थ्रू हम वो सामान पहुंचाएं, लेकिन फ्लाइट के थ्रू सामान पहुंचाना एक एक्सपेंसिव अफेयर हो जाता है. तो बहुत से लोग जो हैं वो बाय सी यानी शिप्स में भी सामान जाता है, उसके थ्रू भी गुड्स को डिलीवर किया जा सकता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में. लेकिन फर्क इतना ही है कि अगर हम शिप से पहुंचाते हैं तो उसमें ऑब्वियसली टाइम ज्यादा लगेगा, ऑल्दो ये फ्लाइट से सस्ता रहता है. तो अब ये जो तीनों वेज है, बाय लैंड है, बाय एयर है, बाय सी है, उनमें क्या क्या रूल्स, क्या क्या लॉ एप्लीकेबल होते हैं उनको हम देखेंगे. सबसे पहले एक ब्रीफ डिस्कशन ले लेते हैं कि कौन कौन से लॉज लागू होते हैं. द पर्सन हु कैरी गुड्स वेदर बाय लैंड, सी और एयर आर नोन एज कैरियर्स. तो हाँ, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी पर्सन गुड्स को कैरी करता है बाय एनी ऑफ द मीडियम, चाहे बाय एयर है, चाहे सी है, चाहे लैंड है, वो पर्सन कहलाता है कैरियर. द लॉ रिलेटिंग टू कैरिज ऑफ गुड्स इन इंडिया इज फाउंड इन द फॉलोइंग स्टैट्यूट, जो आपके सामने लिखे हुए हैं. ये सारे एक्ट एप्लीकेबल हैं कैरिज ऑफ गुड्स से रिलेटेड जो भी लॉज हैं उनमें. फर्स्ट है, अगर हम बात करते हैं कि कैरिज बाय लैंड की, तो उसमें कौन कौन से एक्ट एप्लीकेबल होते हैं. फर्स्ट है द कैरियर्स एक्ट 1865. लैंड से अगर हम सामान भेज रहे हैं तो फर्स्ट एक्ट एप्लीकेबल है कैरियर्स एक्ट 1865, एंड द सेकंड इज द रेलवेज एक्ट 1989. सेकंड आता है इन केस ऑफ कैरिज बाय सी, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ एक्ट्स दैट आर एप्लीकेबल. द फर्स्ट इज द बिल्स ऑफ लेडिंग एक्ट 1865, द कैरिज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट 1925,
the Merchant Shipping Act 1958 and the Marine Insurance Act 1963. Last, in case of carriage by air, एक ही एक्ट एप्लीकेबल है इसमें, दैट इज द कैरिज बाय एयर एक्ट 1972. अभी मैंने इतने सारे एक्ट पढ़ दिए हैं, तो द क्वेश्चन कम्स कि क्या हमें ये सारे एक्ट हम डिटेल में करेंगे. इन एक्ट को हम डिटेल में नहीं करने वाले हैं, लेकिन लैंड सी और एयर से रिलेटेड जो भी कैरिज के लॉ हैं उनके बेसिक प्रोविजन को हम इस लेक्चर में देखेंगे. तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कैरिज बाय लैंड, यानी लैंड के थ्रू जो भी, इसमें भी दो आते हैं. एक तो होता है कि रेलवे के थ्रू हम सामान भेज रहे हैं, एक होता है बाय रोड कोई भी सामान जा रहा है. तो सबसे पहले लैंड को भी डिस्कस करने से पहले हम कैरिज बाय लैंड में दो तरह के कैरियर्स को डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉमन कैरियर एंड प्राइवेट कैरियर. अब कॉमन कैरियर क्या है, इसको हम ये बहुत ही पॉपुलर टर्म है लॉ ऑफ कैरिज के अंदर. कॉमन कैरियर का मतलब है कि जो ऐसा पर्सन या ऐसी कंपनी या ऐसा इंडिविजुअल जो सारे बिजनेसेस के सामान को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाता है. सारे बिजनेसेस का मतलब है कि जितना वो ले जा सकता है वो किसी भी बिजनेस फॉर्म में डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, बिना डिस्क्रिमिनेशन किए. यानी जिसका एक बिजनेस है ये, और उस बिजनेस तो है ये कॉमन कैरियर, साथ के साथ वो एक किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल या किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए काम नहीं कर रहा है कॉमन कैरियर, वो सबके लिए काम कर रहा है. सारी कंपनीज का, सारी फर्म का, सारे बिजनेसेस का सामान वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे लेके जाता है. अब जो हमारा एक्ट है, दैट इज द कैरियर्स एक्ट 1865, इसने क्या डेफिनेशन दे रखी है इसकी, इट सेज अ कॉमन कैरियर may be defined as any individual, firm or company. यानी common carrier क्या है, कोई भी एक firm हो सकती है, company हो सकती है, या कोई individual यानी कोई बंदा भी हो सकता है, who or which transports goods as a business, जो goods को business के रूप में transport करता है for money, पैसे के बदले में, from one place to another over land or inland waterways, land पे या inland waterways, without discrimination between different consigners. यानी consigner कौन है, जो सामान भेज रहे हैं, जो deliver कर रहे हैं एक place से दूसरी place पे ले जाने के लिए, consignee को भेजने के लिए. तो मान लेते हैं कि 5-7-10 एक consigners है, वो अपना सामान, उनकी companies है और वो अपना सामान जो है common carrier में लगाते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे सामान पहुंचाने के लिए, किसी consignee को सामान भेजने के लिए. अब क्या होता है, वो जो कॉमन कैरियर वाला है वो इस कंपनी का भी ले रहा है, कंपनी बी का भी ले रहा है, सी का भी सामान लेके जा रहा है, डी का भी लेके जा रहा है, विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन डिफरेंट कंसाइनर्स. वो डिफरेंट कंसाइनर्स यानी जितने भी कंसाइनर्स है उसमें किसी भी तरह का भेदभाव किए बिना उनके सामान को एक जगह से दूसरे जगह मनी के बदले में लेके जाता है ओवर लैंड और इनलैंड वाटरवेज. तो ऐसे पर्सन को हम कहते हैं कॉमन कैरियर. अब बात यहाँ पे ये आती है कि क्या कॉमन कैरियर वाला, क्योंकि मैंने कहा कि वो हर पर्सन के सामान को लेके जाता है. जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि हम अपना सामान भेजते हैं किसी बस में रखवाते हैं, मान लेते हैं कि हमें जयपुर से दिल्ली सामान भिजवाना है, तो हम बहुत बार ऐसे होते हैं जो मिलन ट्रेवल्स की बसेस चलती है, नवदीप है या नवज्योति है, बहुत सारी जो बसेस जो प्राइवेट बसेस चलती है उसके अंदर हम अपना सामान भेज देते हैं और वहां पे जाके वो सामान हमारे कंसाइनी को मिल जाता है या उसके एजेंट को मिल जाता है. तो ये क्या है, ये कॉमन कैरियर है, क्योंकि वो बस वाला मेरा नहीं है या मेरा एजेंट नहीं है या वो बस मेरी नहीं है. यानी कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे भी या फिर हम किसी ट्रक के अंदर सामान बेचते हैं तो वो ट्रक वाला मेरी एक कंपनी है और मैंने अपनी कंपनी का माल जो है दूसरी प्लेस पे दिल्ली मुझे भिजवाना है जयपुर से, तो वो ट्रक वाला मैंने हायर नहीं किया हुआ है, मेरा पर्सनल एजेंट नहीं है, वो तो एक कॉमन कैरियर है, वो एक कॉमन पर्सन है जो मेरा भी सामान लेके जाएगा, वो किसी और का भी सामान लेके जा सकता है, किसी तीसरे पर्सन का भी लेके जा सकता है, उसके ट्रक में बहुत सारे लोगों के सामान होते हैं. लेकिन शर्त यही है, मान लो कि जो वो ट्रक जो है यानी वो जो व्हीकल है, जिस भी व्हीकल से हमारा सामान जा रहा है, वो व्हीकल फुल नहीं होना चाहिए. अगर वो व्हीकल ऑलरेडी फुल हो गया है तो वो हमारा सामान ले जाने से मना भी कर सकता है. तो यहाँ पे एक कंडीशन आ जाती है कि कॉमन कैरियर वाला इन जनरल किसी भी बिजनेस पर्सन के सामान को या किसी भी इंडिविजुअल के सामान को कैरी करने से मना नहीं कर सकता है, क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है कि भाई तुम मेरे सगे हो तो तुम्हारा माल तो मैं लेके जाऊंगी, बाकी का मैं नहीं लेके जाऊंगी, ऐसा वो नहीं कर सकता. लेकिन वो ऐसा कब कर सकता है, यानी कब वो मना कर सकता है, कब वो गुड्स को कैरी करने से रिफ्यूज कर सकता है,
जब उसका व्हीकल ऑलरेडी फुल हो, जब सामने वाली पार्टी जो है पैसा देने से मना कर दे, मतलब जितना चार्जेस कॉमन कैरियर वाला मांग रहा है उतना पेमेंट वो देने को रेडी नहीं है, तब भी वो मना कर सकता है। तो इसमें कुछ कंडीशंस हम देखते हैं, यानी ऑर्डिनरी द कॉमन कैरियर कैन नॉट रिफ्यूज टू कैरी गुड्स फॉर एनीवन, यानी इन जनरल कॉमन कैरियर वाला किसी की भी गुड्स को ले जाने से मना नहीं कर सकता इफ। अब तीन चार कंडीशंस हम देखते हैं। द फर्स्ट कंडीशन इज इफ द पर्सन आस्किंग हिम टू डू सो इज प्रिपेयर्ड टू पे चार्जेस, यानी जो पर्सन उसको ऐसा करने के लिए बोल रहा है, जो पर्सन उसको गुड्स ले जाने के लिए बोल रहा है, अगर वो पैसा देने के लिए रेडी है तो वो उसके गुड्स को ले जाने से मना नहीं कर सकता। द सेकंड कंडीशन इज द गुड्स आर सच एज ही प्रोफेसेस टू कैरी, गुड्स का नेचर ऐसा है जो उसके प्रोफेशन में है, जो उसके बिजनेस के अंदर है, यानी उसने अपने बिजनेस के अंदर डिफाइन कर रखी है। आपको सामने पूरी लिस्ट लगी है कि आप ये तरह का सामान भेज सकते हो, इस तरह के आइटम आप भेज सकते हो, कोई भी रिस्की सामान है उनकी लिस्ट अलग बनी हुई है कि आप ये सामान हमारे यहाँ हम लोग लेके नहीं जाएंगे। तो अगर गुड्स ऐसी है जो उस लिस्ट में आ रही है जो वो कॉमन कैरियर वाला लेके जा रहा है, व्हिच ही प्रोफेसेस टू कैरी, जो उसका प्रोफेशन में है, ठीक है, जो उसके कस्टम में है कि वो लेके जाएगा, अगर ऐसी गुड्स हैं तब भी वो आपके गुड्स को ले जाने से रिफ्यूज नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता। एंड द थर्ड एंड लास्ट इज द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन इज विद इन द एरिया इन विच ही ऑपरेट्स, और जिस जगह पे सामान ले जाने के लिए कॉमन कैरियर को बोला जा रहा है, जिस जगह पे गुड्स भेजने के लिए बोला जा रहा है, वो जगह ऐसी है जो उसका बिजनेस एरिया ही है, या ऐसी जगह जहाँ पे उसका बिजनेस ऑपरेट हो रहा है, यानी कोई भी थर्ड जगह ऐसी दे दी जाती है जहाँ पे आप नहीं जाते हैं, जहाँ पे आपका व्हीकल नहीं जाता है, जो आपके बिजनेस का एरिया नहीं है, तो उस केस में आप रिफ्यूज कर सकते हैं, कॉमन कैरियर वाला आपके गुड्स को ले जाने से मना कर सकता है। लेकिन अगर ये तीन कंडीशन फुलफिल हो रही है, यानी आप कंसाइनर जो है पेमेंट देने को रेडी है, या फिर हम कहते हैं कि जो गुड्स हैं वो ऐसे हैं विच ही प्रोफेसेस टू कैरी, और जो बिजनेस एरिया है यानी जहाँ पे भी गुड्स ले जाने वो बिजनेस एरिया के अंदर है, इन तीनों कंडीशन के पूरा होने पे कोई भी कॉमन कैरियर वाला अलग अलग कंसाइनर्स के अंदर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता और उनके गुड्स को कैरी करने से मना नहीं कर सकता। अब बात करते हैं, ये तो हो गया कॉमन कैरियर जो बिजनेस के रूप में गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाता है, एक पर्सन होता है या एक प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, एक फर्म भी हो सकती है। द सेकंड इज प्राइवेट कैरियर। अब कॉमन कैरियर को तो हम डिस्कस कर चुके हैं, प्राइवेट कैरियर क्या है? तो एक छोटे से सेंटेंस में अगर मैं बताऊं, प्राइवेट कैरियर का मतलब होता है जो किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए काम करता है या जो किसी पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल के लिए ही काम करता है, वो होता है प्राइवेट कैरियर। या हम कह सकते हैं कि मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है और मुझे सामान जो है अलग अलग जगह पे आए दिन भिजवाना पड़ता है, तो मैंने खुद के ही ट्रक्स जो हैं वो मैंने ट्रक हायर किए हुए हैं, वो मेरे लिए ही काम करते हैं, वो किसी और कंपनी के लिए काम नहीं करते और वो सिर्फ मेरा ही सामान लेके जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं प्राइवेट कैरियर, जो किसी और पर्सन के लिए काम नहीं करते, तो यहाँ पे वो किसी भी दूसरे के गुड्स को ले जाने के लिए मना भी कर सकते हैं, बिकॉज दे आर वर्किंग फॉर वन इंडिविजुअल ओनली। सो अ प्राइवेट कैरियर इज वन हु कैरीज हिज ओन गुड्स, जो अपने ही गुड्स यानी अपने ही पर्सन की अपने ही कंपनी की गुड्स को कैरी करता है, वो एक तरह से उस कंपनी का एजेंट बन के काम कर रहा है। ओकेजनली ही मे कैरी गुड्स फॉर सिलेक्टेड पर्सन, ओकेजनली यानी कभी कभी ऐसा होता है कि वो अगर उसका कोई रिश्तेदार है तो वो उनके गुड्स को भी लेके चला जाता है, उनके गुड्स को भी कैरी कर लेता है, लेकिन उसके हाथ में ऑप्शन है कि वो बाकी सब उस कंपनी को छोड़ के बाकी सबके गुड्स को ले जाने से वो मना कर सकते हैं। He reserves the right to accept or reject request for carriage whether or not his vehicle is full. वो अगर जब हम ऐसे किसी प्राइवेट कैरियर वाले के पास जाते हैं तो अगर उसका व्हीकल फुल है भी या नहीं भी, वो हमारे रिक्वेस्ट को रिजेक्ट भी कर सकता है, वो मना भी कर सकता है, जबकि कॉमन कैरियर ऐसा नहीं कर सकता। तो ये तो बात हो गई कॉमन कैरियर और प्राइवेट कैरियर में डिफरेंस की, उनके मीनिंग की। अब हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ कॉमन कैरियर, यानी कॉमन कैरियर की क्या क्या राइट्स हैं और उसकी क्या क्या ड्यूटीज हैं, उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे राइट्स ऑफ अ कॉमन कैरियर। द फर्स्ट राइट इज, अच्छा ये राइट्स और ड्यूटीज किस में दी गई, ये एक्ट के अंदर दी गई, कैरीज एक्ट, कैरियर्स एक्ट 1865 में। द फर्स्ट राइट इज राइट टू गेट रिम्यूनरेशन। अब ऑब्वियसली कॉमन कैरियर वाला आपके गुड्स को
एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे बिजनेस के रूप में ले जा रहा है, तो उसका राइट है कि उसको उस काम के बदले में रिम्यूनरेशन मिले. मैंने इसके इंट्रोडक्शन में ही ये बात कही थी कि पार्ट ऑफ बेलमेंट है या बेलमेंट के लॉ का ही एक पार्ट है. तो बेलमेंट तो दो तरह की होती है, विद रिम्यूनरेशन और विदाउट रिम्यूनरेशन. यहाँ पे जो बेलमेंट हो रही है वो हो रही है विद रिम्यूनरेशन. तो ऑब्वियसली द फर्स्ट राइट ऑफ अ कॉमन कैरियर इज टू गेट पेड और गेट रिम्यूनरेशन. The second right is right of lien. Lien का मतलब होता है right to retain possession of the goods. यानी जब goods पे जो भी claim due है, वो claims या वो payment पूरे नहीं हो जाते हैं, तब तक common carrier का ये right है कि वो goods पे lien यानी possession जमा ले, उन goods पे possession हासिल कर ले. कहने का मतलब ये है कि कॉमन कैरियर वाला एक पर्सन की गुड को या डिफरेंट डिफरेंट कंसाइनर्स की गुड को जब वो लेके जाता है और कोई भी पर्सन उसको पेमेंट देने से अगर मना कर देता है या किसी का पेमेंट पूरा नहीं हुआ है, तो उस केस में वो उस पर्सन की, उस बिजनेस की गुड्स पे कब्जा जमा सकता है, उस पे लीन जमा सकता है. द थर्ड राइट इज राइट टू रिकवर डैमेजेस. अब मान लेते हैं ये हर कंसाइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. यानी वो पर्सन जो गुड्स कैरिज में डाल रहा है, दे रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गुड्स में कोई भी खराबी है तो उसके बारे में मेंशन करे, कोई रिस्क है तो मेंशन करे. और अगर वो ऐसा नहीं करता है और उसकी वजह से कॉमन कैरियर को नुकसान हो जाता है, कुछ लॉस हो जाता है, तो कॉमन कैरियर का ये राइट है कि वो उस डैमेजेस की भरपाई जो है वो उन पर्सन से, उन कंसाइनर से करा सके. मान लेते हैं कि अगर गुड्स प्रॉपरली पैक नहीं की गई है, गुड्स में कुछ लिक्विड था वो इवापोरेट हो गया है, या कुछ भी ऐसी चीजों की वजह से कॉमन कैरियर को नुकसान हो गया, उसकी गाड़ी खराब हो गई है, या उसको और भी कोई मॉनेटरी लॉस हो गया है, उस केस में वो डैमेजेस मांग सकता है. Then the right to limit his liability. The common carrier can limit his liability under certain circumstances by a contract with the consignor. Consignor के साथ contract में enter होके वो बहुत सारे circumstances mention उसमें कर सकता है, कुछ conditions mention कर सकता है कि जहाँ पे वो अपनी liability पे limitation लगा सकता है. Liability पे limit लगाने का मतलब ये हो गया, मान लो कि goods की जो value है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो ऑब्वियसली हम कहते हैं कि जितना भी गुड्स जा रहा है उसकी लाइबिलिटी कॉमन कैरियर की रहती है. लेकिन कॉमन कैरियर यहाँ पे अगर गुड्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है और कॉमन कैरियर को लगता है कि इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हो, कंसाइनर चाहता है कि हम कॉमन कैरियर वाला उसकी गुड्स को कैरी करे, लेके जाए, उस केस में वो अपनी लाइबिलिटी पे लिमिट लगा सकता है, वो उस अमाउंट पे लिमिट लगा सकता है कि देखिए आपकी 1 करोड़ वैल्यू की गुड्स हैं, 1 करोड़ रुपीज की है, लेकिन उसमें से मैं सिर्फ 50 लाख तक के गुड्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा. इस तरह की लिमिट वो अपनी लाइबिलिटी पे लगा सकते हैं. उससे ऊपर जो भी नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी, ऐसा वो कर सकता है किसी किसी सर्कमस्टेंसेस में, किसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ. देन नेक्स्ट इज राइट टू रिकवर एक्सपेंसेस. मान लेते हैं कि कॉमन कैरियर वाले को जब वो गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा था एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे और रस्ते में कहीं उसको रुकना पड़ गया, कुछ इस तरह की क्लामिटी आ गई कि 2 दिन डिले हो गया है जाना, और आप कैटल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो मान लेते हैं ट्रेन के अंदर, तो उसकी वजह से जो ट्रेन एडमिनिस्ट्रेशन है उनको उस कैटल को खिलाना पिलाना पड़ा, उन पे कुछ एक्सपेंसेस करने पड़े. उन गुड्स, कहने का मतलब है उन गुड्स का ध्यान रखने में कॉमन कैरियर वाले को अगर कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ रहे हैं, तो उन एक्सपेंसेस की भरपाई भी वो उस कंसाइनर से करवा सकता है. Then last is right to refuse to carry goods. किसी किसी circumstances में common carrier वाला goods को carry करने से मना भी कर सकता है. वो circumstances जो हमने starting में 3 conditions पढ़ी थी कि अगर वो payment देने को ready है तब भी वो goods ले जा सकता है, और अगर इन्हीं conditions के opposite situation आ जाए, यानी वो payment देने को ready नहीं है, goods का nature ऐसा है which he does not professes to carry, कुछ या फिर बिजनेस एरिया ही नहीं है जहाँ पे उसको सामान लेके जाना है, या उसका व्हीकल फुल है, तो उन सारे केसेस में वो कॉमन कैरियर वाला गुड्स को ले जाने से मना भी कर सकता है, या फिर उसको लगता है कि गुड्स में कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क इन्वॉल्व है, तब भी उसको मना किया जा सकता है. तो ये तो बात हो गई राइट्स की. मैं राइट्स को रिपीट करती हूँ. हमने देखा राइट टू गेट रिम्यूनरेशन, देन राइट ऑफ लीन, देन राइट टू रिकवर डैमेजेस, right to limit his liability and right to recover expenses, and last is right to refuse to carry goods. अब हम बात करते हैं कि कॉमन कैरियर की लाइबिलिटी या ड्यूटीज क्या क्या हैं.
राइट्स का मतलब हो गया कि ये तो उसका अधिकार है कि वो ये काम कर सकता है. ड्यूटीज का मतलब है उसको ये करना पड़ेगा. तो पहली ड्यूटी है ड्यूटी टू कैरी गुड्स. ऑब्वियसली उसका बिजनेस ही यही है. वो पैसा लेके वो जब ये काम कर रहे हैं, आपने किसी से पैसा ले लिया, कंसाइनर से सर्विस चार्ज ले लिया है कि हम आपके गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे डिलीवर कर देंगे, तो आपकी फर्स्ट ड्यूटी यही बनती है कि ड्यूटी टू डिलीवर दी गुड्स. सो अ कॉमन कैरियर इज बाउंड टू कैरी फॉर हायर गुड्स ऑफ ऑल पर्सन्स हु चूज टू एम्प्लॉय हिम फॉर द कैरिज ऑफ गुड्स. तो वो बाउंड है हर उस पर्सन के गुड्स को कैरी करने के लिए, डिलीवर करने के लिए, जो कि उस पर्सन को चूज कर रहे हैं, उसको एम्प्लॉय कर रहे हैं अपने गुड्स की कैरिज के लिए, अपने गुड्स को इधर से उधर पहुंचाने के लिए. बट द कॉमन कैरियर हाउएवर नॉट बाउंड टू कैरी द गुड्स. वो फिर भी बाउंड नहीं है गुड्स को ले जाने के लिए इफ हिज व्हीकल इज ऑलरेडी फुल, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. इफ द कंसाइनर इज नॉट विलिंग टू पे रीजनेबल चार्जेस फॉर द कैरिज ऑफ द गुड्स, then the goods are such as he is not professes or accustomed to carry or cannot carry. या फिर goods ऐसी है जिसको वो carry कर ही नहीं सकता है या जो उसके business का part नहीं है. then goods are to be carried over a route which is not his regular route. यानी goods जिस भी route से carry होनी है वो उसके regular route में आ ही नहीं रहा है उस case में भी, यानी वो business route नहीं है उसका, उस area में वो operate नहीं कर रहा, उस case में भी वो refuse कर सकता है goods को ले जाने के लिए. Then the goods are such as subject him to extraordinary risk. या goods ऐसी है जिससे common carrier वाले को बहुत ज़्यादा कोई नुकसान हो सकता है, तब भी वो मना कर सकता है. And if the goods are not properly packed, अच्छे से pack नहीं किया हुआ, आपने check किया, common carrier वाले ने आपके goods को check किया और देखा कि इसकी packing सही नहीं है, या तो वो आपको instructions दे देगा कि इनकी packing सही करके लाओ, और या फिर आपको direct मना कर देगा कि हम ऐसे goods को लेके नहीं जाएंगे. Then the last is if the consigner refuses to disclose the nature of the goods offered for carriage. अब consigner की duty होती है कि उसको ये बताना पड़ेगा common carrier को कि goods का nature कैसा है, goods किस तरह की है. अगर consigner ये disclose करने से मना कर देता है तो common carrier के पास ये right है कि वो उसके goods को ले जाने से मना भी कर सकता है. अब हमने ये जो 7 conditions देखी है, उन conditions के अलावा कोई भी अगर condition हो तो कॉमन कैरियर वाला गुड्स को कैरी करने से रिफ्यूज नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता. देन नेक्स्ट ड्यूटी है ड्यूटी नॉट टू डेविएट. अब डेविएट का मतलब क्या हो गया कि जो नॉर्मल बिजनेस रूट है, सबको मालूम है कि तुम इसी रूट से होके जाते हो, और ये सोचते हुए मैंने भी अपनी गुड्स जो है कॉमन कैरियर वाले को दे दी क्योंकि मुझे पता था बस का रूट तो यही रहेगा. लेकिन उसने क्या किया, उस दिन ऐसे ही या बिना किसी रीजन के, या रीजन भी मान ले, लेकिन उसने बस का रूट चेंज किया, उसने अपने व्हीकल का रूट चेंज किया, जिसकी वजह से जो सामान 2 दिन पहले पहुंचना था वो 2 दिन के बाद पहुंचा. और मान लो मैंने कोई पेरिशेबल गुड्स भिजवाई थी और उसकी वजह से मेरी गुड्स खराब हो गई क्योंकि डिले हो गया, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉमन कैरियर वाले की होगी क्योंकि उसकी ये ड्यूटी है कि वो अपने नॉर्मल रूट से डेविएट नहीं करेगा और लोगों को भी ये पता है. लेकिन अब अगर वो डेविएट कर गया है तो उसकी वजह से कोई नुकसान हो रहा है तो उसको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी कंसाइनर को. द नेक्स्ट इज ड्यूटी टू डिलीवर द गुड्स. ऑब्वियसली उसकी ड्यूटी है कि गुड्स को डिलीवर करें, गुड्स को कैरी करें, ये भी उसकी ड्यूटी है. हर किसी को गुड्स को कैरी करेगा, कैरी करेगा, गुड्स को डिलीवर करने की ड्यूटी भी उसी की रहेगी. Then duty as insurer of goods. Insurer, English common law के अंदर ये एक strict liability है common carrier की to work as the insurer of the goods. यानी जिन goods को वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जा रहे हैं, जिन goods को वो carry कर रहे हैं, उन goods का ध्यान रखने की जिम्मेदारी किसकी है, common carrier वाले की है. क्योंकि जब तक goods transport में है वो कंसाइनर के हाथ से भी बाहर है, वो कंसाइनर के हाथ में भी अभी तक आई नहीं है, तो है किसके पास, वो इन ट्रांजिट है. तो इन ट्रांजिट में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कॉमन कैरियर की. अब इन ट्रांजिट भी हम वर्ड यूज नहीं करेंगे जब तक कि वो गुड्स कॉमन कैरियर के पोजेशन में है, वो उनके एक इंश्योरर के रूप में काम करेगा. दिस इज द स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफ कॉमन कैरियर गिवन अंडर द इंग्लिश लॉ. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मैम
कई बार अभी आपने कहा कि अगर गुड्स प्रॉपरली पैक्ड नहीं है और उसकी वजह से कोई डैमेजेस हो जाते हैं तो उसकी भरपाई कॉमन कैरियर की होगी, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि कॉमन कैरियर गुड्स के इंश्योरर के रूप में काम करते हैं, उसी उन गुड्स का ध्यान रखने की जिम्मेदारी सारी उसकी है, तो ये चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही है। तो इसमें हम इसके एक्सेप्शन पढ़ते हैं इस रूल के। तो जो रूल है वो ये कहता है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफ कॉमन कैरियर ये कहता है, अ कॉमन कैरियर ऑफ गुड्स इज एन इंश्योरर ऑफ द गुड्स कैरियड, ही इज बाउंड टू मेक गुड टू द कंसाइनर, वो कंसाइनर के लॉस को कवर करेगा, द लॉस ऑफ डैमेज टू द गुड्स इन द कोर्स ऑफ कैरिज वेदर ओकेजन बाय हिज नेग्लिजेंस और नॉट, चाहे उसकी नेग्लिजेंस की वजह से गुड्स को नुकसान हुआ या उसने नेग्लिजेंस नहीं करी तब भी नुकसान हुआ, दोनों ही केसेस में कॉमन कैरियर वाले की स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है कि वो कंसाइनर के लॉस को, कंसाइनर के डैमेजेस को रिकवर करेगा। अब इसके एक्सेप्शन क्या है? द फर्स्ट एक्सेप्शन इज एन एक्ट ऑफ गॉड, यानी एक्सेप्शन का मतलब क्या हो गया कि किस केस में कॉमन कैरियर वाले का एज अ इंश्योरर लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो अगर गुड्स में नुकसान एक्ट ऑफ गॉड की वजह से हुआ है, नेचुरल कैलामिटी इसकी वजह से हुआ है, कोई भूकंप आ गया है, कोई बाढ़ आ गई है, या मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया है, बारिश आने लग गई है जिसकी वजह से सामान जो है खराब हो गया, अब ये जो बारिश आना है, जो भी कैलामिटी नेचुरल कैलामिटीज आ रही है, वो एक्ट ऑफ गॉड है, वो किसी ह्यूमन एजेंसी के द्वारा किया गया नुकसान नहीं है, तो उस केस में कॉमन कैरियर वाला रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा गुड्स में होने वाले नुकसान के प्रति। देन द सेकेंड इज एनिमीज ऑफ द स्टेट, यानी अगर गुड्स को लॉस एनिमीज ऑफ द स्टेट, एनिमीज ऑफ द स्टेट का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि एनिमी का मतलब यहाँ पे एलियन एनिमी से है, ये चीज हमें ध्यान रखना है। स्टेट स्टेट एनिमीज का मतलब क्या? एलियन एनिमी, एलियन एनिमी हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि एक ऐसा पर्सन जिसकी जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया का सब्जेक्ट नहीं है और जिसकी कंट्री के साथ इंडिया का वॉर चल रहा है, तो वो हर पर्सन यानी उस कंट्री का हर पर्सन हमारे लिए एलियन एनिमी हो जाएगा। और अगर कोई ऐसे एलियन एनिमीज एंटर कर जाते हैं या स्टेट एनिमीज एंटर कर जाते हैं, एलियन एनिमी भी ना बोल के हम कहेंगे स्टेट एनिमीज इनको, कि बाहर के कोई भी यानी दूसरी कंट्री के कोई भी एनिमीज एंटर करके हमारी गुड्स की रॉबरी कर लेते हैं, उसको नुकसान पहुंचा देते हैं, तो यहाँ पे भी कॉमन कैरियर वाले की स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जो है टू एक्ट एज एन इंश्योरर वो खत्म हो जाएगी। देन द थर्ड इज इफ देर इज एनी इनहेरेंट वाइस इन द थिंग्स कैरिड, जो गुड्स कैरी की जा रही है उन्हीं में कोई हिडन डिफेक्ट है और उसकी वजह से गुड्स सारी खराब हो गई, तो यहाँ पे भी कॉमन कैरियर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। देन फोर्थ इज डिफेक्टिव पैकिंग, अगर पैकिंग आपकी डिफेक्टिव है, ये बात कॉमन कैरियर वाले को एट द टाइम ऑफ डिलीवरी पता नहीं चली थी या बोर्डिंग के समय पता नहीं चली थी, लेकिन डिफेक्टिव पैकिंग की वजह से आपका सामान सारा बाहर आ गया या नीचे गिर गया है, तो उसमें जो लॉस हो रहा है उसमें भी कॉमन कैरियर वाले की लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। एंड द लास्ट इज द फॉल्ट और फ्रॉड ऑफ द कंसाइनर, अगर कंसाइनर ने कोई फ्रॉड कर लिया, जैसे मान लेते हैं कि कोई टी बैग्स ले जाने के लिए कंसाइनर ने कॉमन कैरियर को दिए थे बहुत सारे टी बॉक्सेस थे जिसमें टी जानी है, लेकिन उनके अंदर वो ड्रग्स छुपा छुपा के एक जगह से दूसरी जगह पे भेज रहा है और रास्ते में पुलिस आ जाती है, पकड़े जाते हैं, तो यहाँ पे जो नुकसान हो रहा है उसमें उसमें जो कंसाइनर है वो कॉमन कैरियर पे ब्लेम नहीं कर सकता कि ऐसा कैसे हो गया, पुलिस ने कैसे पकड़ लिया, तो हमें ध्यान रखना चाहिए था। तो ऐसे में यानी जहाँ पे भी कंसाइनर का फॉल्ट है, उसने कोई पूरी चीज बताई नहीं है, उसके फॉल्ट की वजह से, उसके फ्रॉड की वजह से कोई नुकसान हो रहा है, तो वहां पे भी कॉमन कैरियर जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। तो हमने पढ़ा स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफ कॉमन कैरियर, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का मतलब है कि वो हर सिचुएशन में, चाहे नुकसान उसकी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ या नहीं, हर नुकसान की भरपाई जो है वो कंसाइनर को करेगा, वो गुड्स के इंश्योरर के रूप में काम करेगा। लेकिन इसके 5 एक्सेप्शन हमने पढ़े कि अगर नुकसान एक्ट ऑफ गॉड की वजह से हो रहा है, अगर डिफेक्टिव पैकेजिंग की वजह से हो रहा है, या फिर गुड्स में कोई हिडन डिफेक्ट है उसकी वजह से लॉस हो रहा है, या फिर स्टेट एनिमीज की वजह से लॉस हो रहा है, और या फिर कंसाइनर के फ्रॉड की वजह से कोई लॉस हो रहा है, इन 5 ही केसेस में होने गुड्स को होने वाले नुकसान की जो भरपाई है वो कॉमन कैरियर वाला नहीं करेगा और उसकी उसमें लाइबिलिटी भी नहीं रहेगी। अब ये तो बात हो गई ड्यूटीज ऑफ कॉमन कैरियर। अब हम बात करते हैं इसी लॉ ऑफ कैरियर में हम गुड्स को एक्सप्लेन करते हैं या गुड्स को क्लासिफाई करते हैं 2 पार्ट में, एक आती है शेड्यूल्ड गुड्स और दूसरी है नॉन शेड्यूल्ड गुड्स। शेड्यूल्ड गुड्स का मतलब है शेड्यूल्ड गुड्स आर दोज गुड्स विच आर इन्यूमरेटेड इन अ शेड्यूल ऑफ कैरियर्स एक्ट, कैरियर्स एक्ट के किसी शेड्यूल में अगर उनको इन्यूमरेट किया गया है, उनको लिखा गया है, उनको मेंशन किया गया है,
तो वो सारी गुड्स किस कैटेगरी में आएगी, शेड्यूल गुड्स की कैटेगरी में आएगी। अब देखिए ये जो क्लासिफिकेशन हो रहा है ना शेड्यूल का और नॉन शेड्यूल का, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसका इफेक्ट लाइबिलिटी के हिसाब से पड़ता है कॉमन कैरियर पे। भाई कॉमन कैरियर वाला जो है वो अपनी लाइबिलिटी, या कैरियर वाला हम कह सकते हैं, अपनी लाइबिलिटी पे लिमिट लगा सकते हैं। तो लिमिट लगाने के लिए हमें गुड्स के टाइप को स्टडी करना पड़ेगा कि किस तरह के गुड्स पे कितनी लाइबिलिटी रहेगी, लॉ क्या कह रहा है, और किन गुड्स पे वो किस तरह की लिमिट लगा सकता है। तो हमने गुड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया, शेड्यूल गुड्स जो कि कैरियर्स एक्ट के शेड्यूल में, शेड्यूल के अंदर मेंशन की गई है। अब कौन कौन सी चीजें जो मेंशन की गई है उनको हम देखते हैं। शेड्यूल गुड्स इंक्लूड गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, ornaments, precious stones, clocks and timepieces of any description, bills, hundis, banknotes, maps, writings, paintings, photographs, sculptures, work of art, glass, china or marble, silk, shawls, furs, ofim, article of ivory, coral, sandalwood and musical and scientific instruments. ये सारे के सारे scheduled goods का part है। इनके अलावा जो भी goods है वो non-scheduled goods बनती है। अब हम बात करते हैं लाइबिलिटी की कॉमन कैरियर की इन केस ऑफ शेड्यूल गुड्स। देखिए ये कह रहे हैं अ कैरियर इज नॉट लाइबल फॉर लॉस ऑफ एंड और डैमेज टू, यानी किसी भी लॉस, किसी भी डैमेज जो भी शेड्यूल गुड्स को हो रहे हैं, डैमेज टू शेड्यूल्ड गुड्स ओवर ₹100, यानी जो भी शेड्यूल गुड्स ₹100 से ऊपर की वैल्यू के हैं। अब आगे वो क्या कह रहे हैं, उनके लिए कॉमन कैरियर वाला लाइबल नहीं होगा इफ एट द टाइम ऑफ डिलीवरी देयर डिस्क्रिप्शन एंड वैल्यू आर नॉट एक्सप्रेसली मेड नोन टू द कैरियर। अब इसको समझते हैं। मान लीजिए आपने कोई ऐसे गुड्स कैरियर में लगाई है जिनकी वैल्यू ₹100 से ऊपर है और आप इनकी वैल्यू मेंशन भी नहीं करते। मान लीजिए कि आपने ₹5,000 की कोई गुड लगाई और इसकी वैल्यू या इसका जो नेचर है गुड का वो आपने डिस्क्राइब नहीं किया है कैरियर वाले को, तो ऐसे गुड्स को अगर कोई लॉस हो जाता है जो ₹100 से ऊपर की वैल्यू की है, जहां पे उसका नेचर डिस्क्लोज नहीं किया गया, जहां पे उसकी वैल्यू डिस्क्लोज नहीं की गई है, उस केस में कॉमन कैरियर वाला उनकी लाइबिलिटी नहीं उठाएगा, उसको होने वाली लॉस की लाइबिलिटी नहीं उठाएगा। देन नेक्स्ट है As regard non-scheduled goods, अब non-scheduled goods के केस में क्या है? The carrier can limit his liability by a special agreement with the consigner of the goods. वो अपनी liability पे किस तरह से limit लगा सकते हैं? वो consigner के साथ में एक agreement में enter होता है और वो agreement में जो भी दोनों जने decide करें उस हिसाब से वो उनकी liability पे limit लगा पाता है। He is, however, liable for any loss or damage caused to such goods by his or by way of his agent's negligence. देखिए ये चीजें दोनों में ही लागू होगी। अगर कॉमन कैरियर के क्रिमिनल एक्ट की वजह से उसकी नेग्लिजेंस, उसके या उसके एजेंट के नेग्लिजेंस और क्रिमिनल एक्ट की वजह से शेड्यूल गुड्स हो चाहे नॉन शेड्यूल गुड्स हो, यानी कोई भी गुड्स हो, उनको अगर कोई नुकसान हो जाता है तो उस केस में कॉमन कैरियर की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, उसकी जिम्मेदारी रहेगी नहीं। बाकी केसेस में शेड्यूल गुड्स में मैंने बता दिया अगर ₹100 से ऊपर की वैल्यू क्या है और गुड्स की वैल्यू डिस्क्लोज नहीं की गई है तो कॉमन कैरियर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। और नॉन शेड्यूल के अंदर हमने देखा कि वो कंसाइनर और जो कैरियर वाला है वो दोनों आपस में एग्रीमेंट करके अपनी लाइबिलिटी डिसाइड कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कैरिज बाय लैंड, यानी लैंड से कैरिज में क्या क्या प्रोविजन एप्लीकेबल है उनको हमने देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कैरिज बाय रेल की, यानी रेलवे से भी जब हम सामान को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसमें क्या क्या रूल्स हैं लागू होते हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।